नमस्ते दोस्तों, विटिलिगो एक ऐसा बीमारी है जो सिर्फ हमारे शरीर को नहीं हमारे मन को भी प्रभावित करता है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ही गहरा है, तो विटिलिगो को लेके और भी बहुत सारे वीडियो मैं इन फ्यूचर बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोथ डर्मेटोलॉजिकली एंड सोशली। आज मैं विटिलिगो के ट्रीटमेंट के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको इग्नोर करेंगे तो रीपिगमेंटेशन होने का चांसेस उतना ही कम हो जाएगा और स्किन का जो जगह सफेद हो गया है वहां रंग फिर से वापस आना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, फिर आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, विटिलिगो के ट्रीटमेंट का मेनली दो पार्ट है। पहला पार्ट आता है जब ये बीमारी एक्टिव स्टेज में रहता है, मतलब स्किन का जो एरिया सफेद हो गया है उसका आकार या साइज बहुत जल्दी से बढ़ रहा है या ग्रो कर रहा है, या स्किन के नए नए जगह फिर से सफेद होने लगे हैं, तो हम समझेंगे कि वो बीमारी तभी एक्टिव स्टेज में है। तो उस स्टेज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस बीमारी को फैलने से रोकना, यानी उसको स्टेबल बनाना। और ट्रीटमेंट का दूसरा पार्ट है जो एरिया स्किन का ऑलरेडी सफेद हो चुका है उस एरिया में स्किन के नॉर्मल रंग को फिर से वापस लाना। तो दोस्तों, रंग वापस लाने के लिए जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहा तो सभी पेशेंट्स को जाता है, लेकिन बहुत कम पेशेंट्स ही उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छी तरीके से रंग वापस नहीं आता है, और वो चीज है दोस्तों रेगुलरली धूप लगाना। देखिए, विटिलिगो के ट्रीटमेंट में नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी लाइट जो है वो बहुत उपयोगी है, लेकिन उस लाइट का फैसिलिटी हर जगह पे मौजूद नहीं है, तो ज्यादातर केसेस में हमें सूरज के किरणों पर ही निर्भर करना पड़ता है। विटिलिगो का ट्रीटमेंट चाहे जिस तरीके से भी किया जाए, सन एक्सपोजर लगभग सभी ट्रीटमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। पर एक चीज को लेके बहुत सारे लोगों में और बहुत सारे डॉक्टर्स में भी पहले बहुत बहस हुआ करता था, वो ये है कि विटिलिगो जहां पे होता है, मतलब जो एरिया सफेद हो जाता है वहां पे मेलानिन पिगमेंट नहीं रहता है, और मेलानिन पिगमेंट का मेन रोल यही है कि वो हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज से बचा सके। तो जिस एरिया में विटिलिगो हुआ है, मतलब जो एरिया सफेद हो चुका है, उसके ऊपर अगर धूप गिरेगा तो मेलानिन के एब्सेंस के वजह से वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक नहीं होगा क्या? देखिए, विटिलिगो के पेशेंट्स में सनस्क्रीन यूज किया जाता है, खासकर जो जगह सफेद हो गया है वहां पे, क्योंकि उनको उस जगह पे सन बर्न होने का चांसेस ज्यादा रहता है। लेकिन सन बर्न यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट इशू ये है कि क्या विटिलिगो पेशेंट्स में स्किन कैंसर होने का संभावना ज्यादा है या नहीं। देखिए, इस चीज के ऊपर कुछ स्टडीज हुआ है जो मैंने पढ़ा, और उसका सभी लिंक मैं एंड स्क्रीन में सोर्स के अंडर दे दूंगा, तो आप चाहे तो खुद उनको देख सकते हैं। तो इतने सारे स्टडीज पढ़ने के बाद कंक्लूशन में मैं ये कह सकता हूँ कि विटिलिगो पेशेंट्स में स्किन कैंसर होने का चांस नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा नहीं बल्कि कम होता है। इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, किसी किसी साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि विटिलिगो एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारे शरीर में जो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स है, कोष है, मतलब जिनके अंदर मेलानिन रहता है, उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी का ही इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो उस कोष को हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम मार डालता है, तो मेलानिन वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए वो जगह सफेद हो जाता है। तो इस हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम का एक फायदा शायद उन पेशेंट्स को मिलता है कि जो सेल कैंसर वाले सेल होते हैं उनको भी शायद ये हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है या मार देता है, इसीलिए शायद विटिलिगो पेशेंट्स में स्किन कैंसर नॉर्मल लोगों के तुलना में कम पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि इसको एल्बिनिज्म से एकदम अलग करके देखना है, क्योंकि देखिए एल्बिनिज्म एक जेनेटिक बीमारी है। उसमें क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से मेलानिन पिगमेंट तैयार होने में दिक्कत होता है, तैयारी ठीक से नहीं होता है, वो एक कॉन्जेनिटल डिजीज है, जेनेटिक बीमारी है, तो वहां पे कोई भी ऑटो इम्यूनिटी का चक्कर नहीं है, इसीलिए एल्बिनिज्म के पेशेंट्स में स्किन कैंसर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है नॉर्मल पॉपुलेशन के तुलना में, जो कि विटिलिगो के केस में बिल्कुल ही उल्टा है। तो अगर विटिलिगो आपको हुआ है तो आप सनबर्न से खुद को बचाने के लिए सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही धूप नहीं लगाएंगे ट्रीटमेंट के वक्त पे, तो क्या होगा, यूवी रेस से जो मेलानिन सिंथेसिस स्टिमुलेशन होता है, जिससे रीपिगमेंटेशन होता है, वो स्टिमुलेशन नहीं होगा, तो रीपिगमेंटेशन होने का चांसेस कम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल इस तस्वीर में देखिए दोस्तों, इस पेशेंट का मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, इनको कहा गया था कि एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन जहां जहां सफेद हुआ है वहां पे 10 मिनट करके धूप लगाना होगा, पर इन्होंने उसको ठीक से फॉलो नहीं किया, जिस वजह से देखिए बॉडी के जो पार्ट साड़ी से ढका हुआ रहता है वहां रीपिगमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है,
और जो पार्ट एक्सपोज रहता है वहां रिपिगमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है। अब इस पेशेंट का तस्वीर देखिए दोस्तों, इन्हें ऐसे जगह पर विटिलिगो हुआ है जो एरिया यूजुअली एक्सपोज रहता है और इन्होंने धूप लगाने का काम भी बहुत अच्छे तरीके से किया, इसीलिए इनका रिपिगमेंटेशन अच्छा आया है। तो दोस्तों विटिलिगो के ट्रीटमेंट के दौरान अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको धूप लगाना चाहिए तो उसको आप जरूर अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो रिपिगमेंटेशन यानी जो जगह पे रंग सफेद हो गया है वहां पे रंग वापस आना काफी मुश्किल हो जाएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते।